तो फाइनली दोस्तों Realme की X सीरीज में बहुत ही जल्द दो नए स्मार्टफोन आने वाले हैं जो कि है Realme X9 और Realme X9 Pro। तो फिलहाल गाइज हम इस वीडियो में बात करेंगे Realme X9 Pro के स्पेसिफिकेशन के बारे में जो कि टेना की वेबसाइट पर सपोर्ट किए गए हैं। तो वीडियो में गाइज आप एंड तक जरूर बने रहना और साथ ही अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि यहाँ पर आपको आगे भी ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए यहाँ पर वीडियो सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पर डिज़ाइन की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर Realme X9 Pro में। तो ये डिज़ाइन गाइज हमें OnePlus की 9 सीरीज में भी देखने को मिला था, तो ऐसा ही डिज़ाइन आपको Realme की X9 सीरीज में देखने को मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके का Realme X9 Pro का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइज 6.55 इंच की E3 सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और साथ में यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले दोस्तों एकदम कमाल का आपको देखने को मिलने वाला है और ये डिस्प्ले गाइस फ्लेक्सिबल कर्व डिस्प्ले होने वाला है, फ्लैट डिस्प्ले यहाँ पर नहीं है, तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है इस बार क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 वाला पावरफुल प्रोसेसर। इसके अलावा LPDDR4X रैम होगी, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप होगा और यहाँ पर आपको इस मोबाइल में गाइस दो वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, 8GB 128GB और 12GB 256GB। इसके अलावा गाइस यहाँ पर कैमराज की अगर बात करें तो पीछे की साइड में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पर मिलने वाला है और आगे की साइड में आपको एक पंच होल स्टाइल में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब इस बार गाइज Realme X9 Pro में जो कैमरा क्वालिटी है वो काफी तगड़ी देखने को मिलेगी। अब रीजन दोस्तों इसका ये है कि यहाँ पर इस बार Realme ने X9 सीरीज में Sony IMX766 वाला सेंसर यूज किया है, तो कैमरा क्वालिटी जो है वो काफी दमदार आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा गाइज यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 4500 mAh की बैटरी है और साथ में 65W का सुपरवूक 2.0 चार्जर आपको देखने को मिलता है जो कि 30 या फिर 32 मिनट में आपके मोबाइल को 0 से 100% चार्ज कर देगा। तो यहाँ पर बैटरी के मामले में भी आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो स्पेसिफिकेशन है, ये सारी जो डिटेल है, ये दोस्तों अभी टेना की वेबसाइट पर लिस्ट हुई है Realme X9 Pro की। अब देखते हैं कि दोस्तों इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हमें Realme की X9 सीरीज में देखने को मिलती है और खास करके Realme X9 Pro में। इसके अलावा गाइस फोन 8mm की थिकनेस पर होगा और 185 ग्राम्स के वेट पर आने वाला है, तो काफ़ी हैंडी फोन होने वाला है दोस्तों और काफ़ी कमाल का फोन होने वाला है। तो अगर इसी स्पेक्स के साथ हमें ये स्मार्टफोन गाइस देखने को मिलता है तो काफ़ी बढ़िया होगा। और यहाँ पर गाइस बात करें इस मोबाइल के प्राइस की, तो अभी तक दोस्तों यहां पर ये जो स्पेसिफिकेशन है वो गाइस कंफर्म नहीं हुए है। हालांकि टेना की वेबसाइट पर लिस्ट हुए हैं लेकिन कंफर्म नहीं हुए हैं, तो यहां पर हम प्राइस का अंदाजा दोस्तों नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ये इसकी जो प्राइस होगी वो गाइस 30,000 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी क्योंकि एक तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का पावरफुल प्रोसेसर है, ऊपर से यहाँ पर आपको दोस्तों कैमरा भी काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है और डिस्प्ले भी काफ़ी तगड़ा है, कर्व डिस्प्ले है। तो यहाँ पर आपको इसकी प्राइस जो है वो दोस्तों 30,000 से 35,000 के अराउंड देखने को मिल सकते हैं या फिर उसके बीच में देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर अगर लॉन्च डेट की बात करें इस मोबाइल की, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों Realme X9 लॉन्च होगा और उसके बाद दोस्तों Realme X9 Pro या फिर हो सकता है कि X7 के जैसे ही दोनों मोबाइल एक साथ भी लॉन्च हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये दोनों स्मार्टफोन गाइस चाइना में लॉन्च हो गए और उसके बाद दोस्तों इंडिया में हो गए। तो चाइना में ये स्मार्टफोन गाइस जुलाई या फिर अगस्त के महीने में लॉन्च हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों कि अगस्त के महीने में ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो सकते हैं। जैसे ही गाइस कोई ऑफिशियल न्यूज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है Realme की X9 सीरीज़ के ऊपर, तो उसके ऊपर भी वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो तब तक आप चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। खैर उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और न्यूज़ भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।